सुमित, लेकिन जिस सवाल का मैंने जिक्र किया, क्या वक्त आ गया है चीन को सबक सिखाने का? सारे मुल्क जो आज चीन के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ रहे हैं, वो ये ठान ले कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है। समीर, एक इंपॉर्टेंट बात है अगर आप देखें पूरे जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो के अंदर, कि चीन भी ये बात समझ रहा है कि आखिरकार हर देश, ना सिर्फ वो देश जो लगातार जिनके साथ उनका उसका कन्फ्रंटेशन था, चाहे वो ताइवान है चाहे दूसरे देश हैं, बल्कि बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे इकट्ठे होकर लगातार चीन के अग्रेसिव बिहेवियर को चैलेंज कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि इन सभी देशों का बैकअप या फिर इन देशों का बैकअप मिल रहा है किसको? ताइवान को, हांगकांग को। और अगर ऐसे देश चीन को सीधे तौर पर टक्कर देते हैं, जवाब देते हैं, भले ही वो छोटा हो, तो चीन की ना सिर्फ अग्रेसिव पोस्चरिंग अब उसके देश भर में उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, बल्कि पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं धराशाही हो जाएगी। चीन ये बात जानता है, चीन ये बात समझ रहा है कि अगर उसका कोई भी मूव, उसके लिए काउंटर मूव बड़ा हो जाता है, तो चीन के लिए वो उसके लिए एक बड़ा, कह सकते हैं कि उसकी इमेज को खराब कर देगा। और यही चीन सारी चीज सिचुएशन से बचकर निकलना चाह रहा है। लेकिन अब ताइवान लगातार अग्रेसिव पोस्चरिंग जो कर रहा है, ना सिर्फ उसको उससे बचते पड़ रहा है और ना ही उससे निपटते बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,